brought to you by Techno Camon 30 series. सीटें कम होंगी बिकॉज इस बार जो विपक्ष है वो पक्का इनको जो है टक्कर दे रहा है. विपक्ष है मतलब मजबूती, इस बार विपक्ष आएगा मजबूती के साथ. मोदी सरकार आती है दोबारा से सत्ता में तो उससे रिक्वेस्ट है कि कम से कम युवाओं के बारे में सोचे, उनके भविष्य के बारे में सोचे. जो पेपर हो रहे हैं, पेपर लीक जो हो रहा है उसके ऊपर जो है अपने कड़े कदम दें. शिष्यामित्र पे थोड़ा सा ध्यान दें तो उनको 400 पार के 500 पार उनके हो जाएंगे, क्योंकि शिष्यामित्र उनसे बहुत नाराज हैं. तो वो सोचते हैं अखिलेश सरकार आएगी तो हमारा कल्याण करेगी. तो प्लीज़ मोदी जी और योगी जी शिष्यामित्र का देखिए और उनका थोड़ा सा उनकी नैया पार करिए. क्योंकि दिख रहा है जो काम कर रहे हैं उनको ही लाना है. तो नो डाउट मोदी जी आएंगे और उनके टक्कर में कोई है भी नहीं. ऐसा नहीं है कि मोदी जी बेस्ट है, लेकिन और कोई ऐसा है ही नहीं, बेटर ही नहीं, ऑल्टरनेटिव है ही नहीं बेटर. तो इस वक्त हम बनारस में हैं. तस्वीर आपको पीछे देखने को मिल रही होगी जहां बनारस का हर फ्लेवर आपको नजर आ रहा है. लोकसभा चुनाव की कवरेज के दौरान आपको न्यूज तक पर तमाम ऐसी तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं. और हमने सोचा कि क्योंकि बनारस में कई लोग जो है बाहर से आते हैं, देश भर से लोग आते हैं, इसलिए देश का मिजाज थोड़ा यहाँ भी टटोला जा सकता है. देश में अब की बार किसकी सरकार पर हम बात कर रहे हैं. आप लोग कहाँ से आए हैं? मैडम मैं बहराइच जिले से आया हूँ. अच्छा, यूपी से ही आए? जी जी जी. क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार, मोदी क्लियर है एकदम. बिल्कुल, बिल्कुल. और वो 400 पार बोल रहे हैं उसका क्या? नहीं 400 पार नहीं होगा, लेकिन 300 और 350 के बीच में आएगा. अच्छा जी, आप क्या कह रहे हैं, आप वोटर हैं? नहीं. अच्छा, वोटर नहीं है लेकिन बात तो कह सकते हैं. कोई पसंद है? मोदी पसंद है? नहीं. राहुल पसंद है? नहीं, वो भी नहीं पसंद. चलो चलो कोई नहीं. अरविंद केजरीवाल पसंद है? हाँ पसंद है. क्यों पसंद है? क्योंकि वो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए. अच्छा, दिल्ली काम कर रहे हैं एजुकेशन के लिए आप कह रहे हैं. आप लोग बताइए कहाँ से आए आप लोग? मैम सेम जगह, बहराइच से ही. बहराइच से ही सभी लोग साथ में आए हुए हैं. क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार देश में? ऑफ कोर्स मोदी सरकार आएगी, बट सीटें कम होंगी बिकॉज इस बार जो विपक्ष है वो पक्का इनको जो है टक्कर दे रहा है. विपक्ष है मतलब मजबूती, इस बार विपक्ष आएगा मजबूती के साथ. सरकार तो इन्हीं की आएगी क्योंकि जनता का मूड जो है इनके प्रति ज़्यादा है, लेकिन अलायंस का भी ठीक ठाक रहेगा. मतलब जो 400 पार कर दे रहा है अलायंस, 400 पार का जो इनका नारा है वो तो नहीं पार होगा, बट सरकार इन्हीं की बनने की चांसेस है. लेकिन मैं कहना चाहूंगी जब सरकार, अगर मोदी सरकार आती है दोबारा से सत्ता में तो उससे रिक्वेस्ट है कि कम से कम युवाओं के बारे में सोचे, उनके भविष्य के बारे में सोचे. जो पेपर हो रहे हैं, पेपर लीक जो हो रहा है उसके ऊपर जो है अपने कड़े कदम ले, ताकि जो माफिया हैं पेपर लीक से रिलेटेड वो लोग जो है इसमें जो है अग्रसर ना हो सकें. हम लोग का भविष्य बर्बाद ना किया जाए, पेपर को जो है अच्छे. स्टूडेंट है? यस मैम. कहाँ पढ़ रहे हैं? मैम मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है फ्रॉम अवध यूनिवर्सिटी एंड आई एम ऑल्सो अ गवर्नमेंट एस्पायरेंट. So I request to the government to take a strong step against cheaters. हाँ, paper leak. युवाओं के जो मुद्दे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? No madam. हो गया, इतना ही कहना था. चलिए, आप लोग क्या कह रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप? शाहजहांपुर से. हाँ, शाहजहांपुर. अच्छा, यूपी से ही हैं. क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार? अब की बार 400 पार मोदी जी. 400 पार हो जाएगा? जी जी हो जाएगा. हाँ, जरूर मैम हो जाएगा. पर मैं योगी जी से एक बात कहना चाहती हूँ कि उन्होंने थोड़ा ध्यान शिष्यामित्र के ऊपर दें, क्योंकि शिष्यामित्र बहुत उसे बहुत मानते बहुत हैं, पर उनकी एक बात से बहुत दुखी हैं कि उन्होंने एग्जाम लिए हैं उसमें बच्चे नहीं निकल पाए हैं, जो क्योंकि वो शादीशुदा हो गए थे, वो उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं. अभी हम लोग हैं, अभी हमसे कह दें कि आप एकदम हाई स्कूल का एग्ज़ाम दीजिए तो थोड़ा वो अब घर परिवार सब हो जाता है तो वैसा माइंड नहीं रहता है. तो शिष्यामित्र पर थोड़ा सा ध्यान दें तो उनको 400 पार के 500 पार उनके हो जाएंगे, क्योंकि शिष्यामित्र उनसे बहुत नाराज हैं. तो वो सोचते हैं अखिलेश सरकार आएगी तो हमारा कल्याण करेगी. तो प्लीज मोदी जी और योगी जी शिष्यामित्र का देखिए और उनका थोड़ा सा उनकी नैया पार करिए. वो बहुत परेशान है क्योंकि वो आपका शिष्यामित्र इतने बच्चों को देखते हैं, मिड डे मील वगैरह देखते हैं और इतना टाइम देते हैं, पर उनकी सैलरी कुछ नहीं है. वो टाइम बहुत देते हैं, उनके बच्चों का भविष्य बिगड़ा जा रहा है, क्योंकि वो जब अच्छी नौकरी में थे तो उन्होंने अपने बच्चों का अच्छी अच्छी जगह एडमिशन करा दिया, और अब क्या है कि उनकी एकदम सरकार ने नौकरी गिरा दी है. शिष्यामित्र पे लाके 10,000 पे छोड़ दिए हैं, तो अब उनके बच्चों का भविष्य बेकार हो रहा है, क्योंकि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं. मिलाकर शिक्षा मित्रों वाला जो आपने मुद्दा बताया,
आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं, सेल्फी खींचने में बिजी हैं? हाँ, कहाँ से आप? एक्चुअली हम लोग बिलोंग करते हैं सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अच्छा। और ये दो बागपत से है। अच्छा। हाँ, तो क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? क्या नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ BHU में जॉब करता हूँ, जो ये मामना कैंसर हॉस्पिटल बना है, जो हाँ जो नरेंद्र मोदी की देन है। अभी क्या है कि जितने भी बनारस के कैंसर के पेशेंट है या पूर्वांचल के जितने भी पेशेंट है, वे सब लोग इधर मतलब कैंसर हॉस्पिटल में आते हैं। तो मोदी जी का ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत ही अच्छा इस पर मतलब काम भी किया इन लोगों ने। और अभी जो लोग बॉम्बे जाते थे या दिल्ली जाते थे, अभी वे यहाँ पे ही आके अपना इलाज करा लेते हैं। जैसे मैं कुछ BHU में कुछ छात्रों के बीच गई थी, वो कह रहे थे एम्स का क्या हुआ? एम्स का एक्चुअली जब यहाँ पे देखो, एक ट्रोमा सेंटर है, मल्टी स्पेशलिस्ट है, और फिर एक कैंसर सेंटर खोल दिया, तो एम्स का कोई बनता नहीं, क्योंकि एम्स यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है गोरखपुर में, ठीक है। अगर किसी को जाना है तो 150 किलोमीटर गोरखपुर जा सकते हैं, या BHU में भी शताब्दी हॉस्पिटल जो नया ओपन हुआ है, शताब्दी हॉस्पिटल, वो देखो आप कितना, 1200 बेड का है वो। जब उसमें सबकी फैसिलिटी है, A to Z, अलग से ट्रोमा सेंटर इन लोगों ने खोला है, तो फिर एम्स की कहाँ रिक्वायरमेंट आ गई यहाँ पे? ये मानते नहीं, मानते इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कह रहे हैं जरूरी ही नहीं है। नहीं, जरूरी तो देखो जितना बन जाए अच्छा है, बट बजट भी देखना पड़ता है। जब एक शताब्दी हॉस्पिटल दे दिया 1200 बेड का, फिर एम्स दे दे, कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि 2-5 हज़ार रुपए में बन जाएगी, करोड़ों का बजट जाता है। कुल मिलाकर खुश है मोदी सरकार से? मोदी सरकार से बहुत खुश है, बहुत अच्छा काम कर रही है कोई तो। और दूसरी बात यह है कि कैंसर हॉस्पिटल जो दिया है अगर मोदी, वो आपने शुरुआत में बताया, आप बताइए आप लोग बागपत से आए हैं? जी, बागपत से आए, हम यहाँ चुनाव कराने के लिए आए हैं। चुनाव कराने मतलब? यहाँ UP पुलिस में जॉब करते हैं हम। अच्छा। तो 1 तारीख में जो यहाँ पे चुनाव है, तो उसकी में ड्यूटी में आए हैं। ये भाई है हमारे, यहाँ पे जॉब करते हैं कैंसर हॉस्पिटल में, बोला चलो जो है गंगा घाट पे घूमने चलते हैं। यूपी पुलिस में है, फिर राजनीति वाला सवाल पूछे नहीं पूछे? नहीं पूछे, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पूछेंगे। आप बताइए आप कहाँ कहाँ से आए आप लोग? मैं तो बनारस का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, हम लोग करीब 150 साल से हमारे पूर्वज जो है बनारस में स्थित है। तो सही लोग मुझे मिले हैं, क्योंकि बनारस हम लोग कवर कर रहे हैं कुछ दिनों से और जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या कोई मोदी की टक्कर में है यहाँ पर, या फिर जनता का एक तरफा मन है? बनारस के लिए तो जनता का एक तरफा मन ही है। हाँ। काम किया है मोदी जी ने बनारस के लिए, बहुत काम किया है। और बनारस एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और एक धार्मिक नगरी है, विश्व पटल पर काफ़ी प्राचीन है। और मोदी जी जब से आए हैं उन्होंने बनारस के उद्धार के लिए बहुत कुछ किया, और सबसे बड़ा योगदान उनका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाना। अब ये समझिए कि काशी विश्वनाथ मंदिर का उद्धार एक बार अहिल्याबाई ने करवाया है। एक बार मैं इस बीच तस्वीरें दिखाने भी नहीं भूलेंगे हम, बनारस में है, बनारस का हर फ्लेवर आप आपके पास पहुंचना चाहिए, इसलिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इस तरफ आपको बता दें, अलग अलग घाटों पे आपको आरती होती दिखाई देगी, जो भी मुख्य घाट है, दशाश्वमेध घाट है, वहां पर आरती जो है इस वक्त चल रही है। 80 घाट से हम चले थे आगे की तरफ, और आपको कई और बोट्स जो है, नाव जो है, वो साथ में लगी हुई नजर आएंगी। एक बार मैं फिर आ जाती हूँ, आप लोग वोटर हैं? वोट कर दिया? कहाँ पे वोट किया? दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली, दिल्ली से हैं हम भी। कहाँ, कौन सा एरिया आपका, कौन सा क्षेत्र? पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली। तो किस किस तरफ हवा बह रही है वहाँ पे? बीजेपी, बीजेपी। क्लियर जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और देश में कौन चाहिए आप? बीजेपी, मोदी चाहिए। हाँ, क्योंकि पहले जैसे जाते थे तो वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती थी। आप भारत भ्रमण करके देखो तो पता चलेगा कि हाँ ये है इंडिया। हाँ। पर पहले नहीं था ऐसा, पहले किसी भी चीज की कोई इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी। हाँ। पहले कंजेस्टेड रोड्स होते थे। मेरा ऑफिस एक्चुअली गुड़गांव में है, पहले मुझे टाइम लगता था 2.5 से 3 घंटे लगते थे दिल्ली से गुड़गांव पहुंचने में, जबकि अब जो है टाइम लग जाता है रिड्यूस हो के 30 मिनट्स हो चुका है। 30 मिनट्स to 45 मिनट्स में अपना मतलब गुड़गांव पूरा कवर कर लेता हूँ। हाँ जी, तो आपके रास्ते आसान हो गए हैं। आप क्या कह रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं? मैं MBBS स्टूडेंट हूँ। अच्छा, डॉक्टर हैं आप? कहाँ से? दिल्ली से ही? आप कहाँ पे दिल्ली में डॉक्टर? मैं अभी तो स्टडी, मेरे लास्ट ईयर चल रहा है सब मौलाना आजाद में। अच्छा, खुश हैं मोदी सरकार से? हाँ जी। 10 में से कितने नंबर देते हैं? एज यूजुअल मैं तो खुश हूँ, एज अ वोटर मैंने उन्हीं को वोट दिया, ऐसा तो मैं बोलना चाहूँगी, बट
रिवील नहीं किया जाता है एक्चुअली में। अच्छा अच्छा ठीक है, और भी लोग हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश में, बनारस में इस वक्त हम हैं और हर कोई जो है वो तस्वीर कैद करने की कोशिश कर रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? कनाडा। हाँ कनाडा। अच्छा वहाँ से आए हैं, हिंदी बात करेंगे? हाँ हिंदी इंग्लिश। मोदी पसंद है? मोदी और नहीं मोदी मोदी राहुल गांधी नहीं पसंद? मोदी 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 आप कह रहे हैं। तो आप लोग बताइए हिंदी आती है आपको? किसकी सरकार इस बार देश में? हम लोग को तो, मैं तो नरेंद्र मोदी को वोट दिया। वोट भी बता दिया आपने, किसको दिया? आप बताइए अब की बार देश में किसकी सरकार, ये सवाल हम पूछ रहे थे। आप लोग कहाँ से आए? छत्तीसगढ़ का है सारे लोग। नहीं कहाँ से बताया मुझे? चापा, जांगीर चापा से। अच्छा अच्छा तो आप बताइए क्या मोदी पसंद है या कोई और विकल्प जो है वो आप तलाश रहे हैं? मोदी जी को तो दिए हैं। मोदी जी को दिए हैं। अच्छा पसंद है, क्यों पसंद है प्रधानमंत्री? आपकी भी यही राय है क्या? उनका जो डेवलपमेंट है हमारे स्टेट में वो बेहतर है जो पिछले गवर्नमेंट है उससे। रोजगार दिया है क्या सरकार ने? रोजगार पर क्या कहेंगे? रोजगार पे उतना कुछ बोला नहीं चाहूंगा लेकिन हाँ एवरेज है। आप बोल सकते हैं आपकी जो भी राय है। लगभग रोजगार में जो पिछली गवर्नमेंट थी उससे कुछ वृद्धि नहीं हुई है लेकिन एवरेज है पिछले बार। पढ़ रहे हैं आप अभी? हाँ मैं स्टूडेंट हूँ अभी। कहाँ पे? मैं भी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, छत्तीसगढ़ में ही हूँ, बिलासपुर। लेकिन जो आप रोजगार पर बात कर रहे थे आगे कहना चाहेंगे कुछ? हाँ कुछ और उनको देना चाहिए, बढ़नी चाहिए कुछ और उनको। आप लोग कहाँ से? साथ में ही आए हुए हैं आप लोग, तो आप लोग भी वोटर है ना? नहीं आप वोटर है? अच्छा तो आप लोग बताइए कि अब की बार किसकी सरकार देश में? मोदी की सरकार, जाहिर सी बात है। पिछले दो साल से मैं यहाँ बनारस में रह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ कंपैरिजन में यहाँ साफ सफाई की जो चीजें हैं और डेवलपमेंट है। लास्ट वन ईयर में रह रहे हैं, बीएचयू पढ़ रहे हैं कहीं और? पढ़ मैं पीएचडी कर रहा हूँ या तो मैंने लास्ट टू ईयर्स में कंपेरिजन किया है, जहाँ विकास की रफ्तार है वो 10 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है लास्ट टू ईयर कंपेरिजन में, और उससे पहले तो फिर मुझे पता ही नहीं है क्या है। ठीक है आप क्या कह रहे हैं, पसंद है मोदी या कोई और पसंद है? मोदी पसंद है। मोदी ही पसंद है। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं अभी कॉलेज बीएससी कर रहा हूँ। कहाँ पे, कहाँ से पढ़ रहे हैं? अपना सिटी कॉलेज है चांपा, एमएमआर। कहाँ पर? सिटी कॉलेज है, एमएमआर पीजी कॉलेज। अच्छा तो मोदी पसंद है आपको, आप कह रहे हैं? हाँ। क्या पसंद है? आपने काम देखा होगा, कुछ पसंद आया होगा, क्या पसंद आया? मतलब साफ सफाई जैसे आया अभी बीच में, गीला कचरा सूखा कचरा वो सब पसंद। राहुल गांधी आप लोगों को कैसे लगते हैं? राहुल गांधी एजुकेटेड हैं बट नेता की फील्ड में उनका ज्यादा पकड़ नहीं है, ऐसा फील होता है मुझे। इन द केस ऑफ पॉलिटिक्स उतना उनका ज्यादा पकड़ नहीं हो पा रहा है। अच्छा आप और भी लोगों से बात करेंगे, आप लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की, आप लोग कहाँ से आए हैं? बेसिकली यही बनारस का ही हूँ। आप दोनों बनारस के ही हैं क्या? अच्छा तो बनारस में क्या माहौल है, एक तरफा माहौल है क्या कह सकते हैं? क्योंकि बनारस में तो ऑब्वियस सी बात है मोदी ही आएंगे। आप चाहते क्या है? ऑफ कोर्स, क्योंकि दिख रहा है जो काम कर रहे हैं उनको ही लाना है। हाँ। तो नो डाउट मोदी जी आएंगे और उनके टक्कर में कोई है भी नहीं। कोई नहीं है टक्कर में। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने तो राहुल गांधी को आगे किया हुआ है। अब क्या उनके बारे में क्या ही बोले, मजाक बनाना है उनका या नॉर्मल कुछ ऐसा बताना है? आपको जो लगता है आप वो कह सकते हैं बिना गाली गलौज, बिना गलत भाषा का प्रयोग किया, आप जो भी अपनी राय है कैसा? एग्जैक्टली एक्चुअली क्या है, राहुल गांधी अच्छे हैं बट उनको क्या है बोलने नहीं आता एक्चुअली, और उनका रिएक्शन बहुत ही गंदा है, कब क्या करना है उनको ये नहीं पता, पहले वो सीखना चाहिए उन्हें एटलीस्ट। नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि मोदी जी बेस्ट है लेकिन और कोई ऐसा है ही नहीं, बेटर ही नहीं है, अल्टरनेटिव है ही नहीं बेटर, तो क्या करें? आपके लिए तुलना करने के लिए कोई है ही नहीं। आप एक है नोटा यूज करना इज नॉट अ ऑप्शन, क्योंकि कोई तो चाहिए जो लीड करे, तो अभी कोई नहीं। अभी आप? हाँ मैं स्टूडेंट पढ़ रहे हैं बीएचयू। बीएचयू में हमने बहुत छात्रों से बात की, छात्रों के बीच में हम गए थे। कहाँ कौन से फैकल्टी में आप? मेरा आर्ट्स फैकल्टी है। आर्ट्स फैकल्टी, तो वहाँ पर हमने देखा रोजगार को लेकर आक्रोश युवाओं के मन में दिखाई दिया। जब आप बात करते हैं अपने फेलो मेट से, आपको भी लगता है वो है या नहीं? टोटली डिपेंड्स कि आप किस फील्ड में हो। जैसे मेरा खुद का फील्ड है एमबीए का, तो मेरे को पता है कि मेरे को अगर हम अच्छा मार्क्स लाएंगे तो मेरे को रोजगार मिलेगा ही,
तो ये टू वे होता है, ये वन वे तो नहीं होता कि गवर्नमेंट आपको फ्री में जॉब्स दे रहे हैं और आप बस बीए के नाम पे कुछ करने रहे और जाके जॉब लोगे। तो ये टोटली डिपेंड्स कि आप कितने ज़्यादा एलिजिबल अपने आप को भी बना रहे हो, बस गवर्नमेंट के भरोसे बैठे रहने से तो नहीं होगा। तो बस मेरा पीओ भी यही है। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? बनारस से ही हैं। बनारस से ही हैं, पढ़ रहे हैं यहाँ पर? पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। पढ़ाई कंप्लीट, तो अभी क्या चल रहा है? अभी बिजनेस ही चल रहा है अभी। हाँ, क्या कह रहे हैं, जो सवाल मैं सबसे पूछ रही हूँ, अब की बार किसकी सरकार देश में? मोदी जी की सरकार है। फिर से एक बार फिर मोदी सरकार को मौका? हाँ, तीसरी बार मोदी सरकार। हाँ, 400 पार? बस सब बढ़िया रहेगा, एकदम 400 पार तो रहेगा ही। आप क्या कह रहे हैं, आप बहुत मुस्कुरा रही हैं, वोटर हैं, लेकिन समझ में आती है राजनीति थोड़ा बहुत टीवी पर देखकर? क्या नाम है आपका? शांभवी। शांभवी, क्या लगता है जब टीवी पर आप देखते हैं, क्या क्या समझ में आता है देखकर? अभी तो इट्स मोर लाइक की कॉम्पिटिशन काफी पहले जैसा नहीं कि 400 पार रहेगा ही, वैसा उतना कंफर्म नहीं दिखता है, बट हाँ चांसेस दोनों पार्टीज के इक्वली लगते हैं मेरे को अभी फिलहाल। मोदी पसंद है क्या या राहुल गांधी पसंद? तो दोनों नहीं है एज पर लाइक। अरविंद केजरीवाल पसंद? केजरीवाल तो नहीं पसंद है। हाँ, बट लाइक इक्वल चांसेस है, और ऐसा कोई पसंदीदा तो नहीं है अभी। कोई आया नहीं जो आप जो जिसे आप पसंद? नहीं, मतलब हर चीज में तो चीजें हो रही है, बट थोड़े एजुकेशन सिस्टम में भी चेंजेस होने चाहिए, उस हिसाब से तो नहीं हो रहा ना। हाँ बस। अच्छा, तो आपने कहाँ से बताया था, कहाँ से आप? लखनऊ से हैं। मैम आप कहाँ से? लखनऊ से ही हैं। हाँ। क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार? अभी तो फाइनली कुछ नहीं बता सकते हैं। पसंद है क्या? हाँ, मोदी जी ने काम कुछ अच्छे किए हैं, पर कुछ कई जगहों पे मतलब ऐसा भी है कि थोड़ा जहाँ उनको करना चाहिए सपोर्ट पब्लिक को देख। जैसे क्या? जैसे क्या? जैसे कि स्कूल में बच्चों के और महंगाई इतनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इन सब चीज़ों पे भी देखना चाहिए। सारी पब्लिक ऐसी नहीं है जो इसको अफोर्ड कर सके, तो इन सब बातों को भी थोड़ा ध्यान। शिक्षा की आप बात कर रही हैं, शिक्षा की बात करें, शिक्षा में बेहतरी होनी चाहिए। आप इस नाव में आने का उद्देश्य यही था कि देश के अलग अलग लोग जो किसी भी कोने से आए हो सकते हैं, हमने देखा कोई उत्तर प्रदेश से आया, कोई छत्तीसगढ़ से आया, कोई कर्नाटक से आया है, और उन लोगों का क्या कहना है अब की बार देश किसका, किसकी सरकार, ये हम जानने की कोशिश कर रहे थे। आप लोगों ने देखा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हर एक शख्स का क्या अपना अपना कहना था, और हम चाहते हैं कि आप भी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन नितेश के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक, बनारस।